नमस्कार, मेरे नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आप बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और वो खबर ये है कि जो भी सीनियर सिटीज़न है उनको फ्री ट्रैवलिंग मिल रही है बुद्ध विहारों पे जाने की, जो बुद्ध के सबसे बड़े बुद्ध विहार हैं वहाँ पर जाने की। और हमारे साथ सी एस भंडारी हैं। ये काम किसने करा और कैसे लेकर जा रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं, ये सारी जानकारी हम लोग लेंगे। सी एस भंडारी जी हमारे साथ हैं। सी एस भंडारी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो सबसे पहले मैं एसएम न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी बातों को आपके सामने रख सकूं। जी भंडारी साहब, ये जो बुद्ध के ऊपर जा रहे हैं, बुद्ध विहार जितने भी जगह हैं, कहां कहां पर लोग जा रहे हैं, कौन से लोग जाना कौन कौन लोग जा सकते हैं, इसके अंदर क्या कैटराइज तरीका है और कौन इसको लेके जा रहा है और ये किसने करवाया है, वो सारी चीज़ों की जानकारी आप हमें दें। देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों के लिए टूर यात्रा का प्रोग्राम किया गया था। हमने काफ़ी सोचा और हमने विचार किया कि क्यों ना हम सरकार से निवेदन करें कि जो हमारे बुद्धिस्ट हैं दिल्ली के, उनको भी जो बुद्धिस्ट स्थल हैं उनकी यात्रा कराई जाए। अब से करीब 9 महीने पहले हमने एक ज्ञापन कहिए या निवेदन कहिए, वो केजरीवाल जी को दे रखा है और उस निवेदन में हमने अपनी 4-5 डिमांड रखी हैं और उनसे टाइम मिलने की भी अभी जल्दी जल्दी संभावना है। लेकिन इसके साथ ही 2 डिमांड उन्होंने हमारी राजेंद्रपाल गौतम जी के प्रयास से 2 हमारी जो मांगे हैं वो पहले ही मान ली गई हैं मीटिंग से पहले ही। पहला ये है कि जो स्कूलों में लोकल टूर होता है, उस लोकल टूर में सारे स्थान दिए जाते हैं दिल्ली के, लेकिन हमने अपने प्रयास से और उनके प्रयास से ये 26 अलीपुर रोड जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के सरकारी स्कूलों के या नॉन सरकारी स्कूलों के जो लोकल टूर जाते हैं उसमें एंट्री करा दिया है और उसमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑर्डर्स हो चुके हैं और जो भी लोकल टूर जाएगा उसमें हमारे बौद्ध स्थलों को देखा जाएगा। दूसरा काम, अभी मीटिंग हमारी होने वाली है लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया कि जब सब लोग जा रहे हैं, अपने हिंदू लोग अपने तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, जहाँ जहाँ भी जाएं उनका प्रोग्राम है, तो हमने प्रस्ताव रखा कि हमारे जो बौद्ध स्थल हैं उनकी भी यात्रा बौद्धों को कराएं। मैंने बहुत दिन पहले भी एक मैसेज इसमें दिया था अपने मैसेज से कि भाई हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने हमारी बात को मान लिया है। तो पहले कुछ थोड़ी कठिनाई से आ रही थी लेकिन फिर दोबारा हम मिले और उन्होंने अपना 5 दिन का हमारा प्रोग्राम बनाया है। इस 5 दिन के प्रोग्राम बनाने में जो हमारे मंत्री महोदय हैं, श्रम और कल्याण मंत्री राजेंद्रपाल गौतम जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के निवेदन को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, केजरीवाल जी से बात हुई और विधानसभा में इसको मंत्रिमंडल में इसको पास कराया गया। 5 दिन का ये टूर है और सबसे पहले ये अपने जहाँ जहाँ लोग जब फार्म भरेंगे वो बस आएगी, उनको वहाँ ले जाएगी और उसके बाद ट्रेन से जाएंगे। पहले वाराणसी जाएंगे जो हमारा सारनाथ है, जहाँ पर हमारे भिक्षुओं ने तथागत भगवान बुद्ध ने सबसे पहले 5 भिक्षुओं को दीक्षा दी थी जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन के रूप में मानते हैं। उसके बाद हम राजगिरी जाएंगे और राजगिरह के बाद नालंदा जाएंगे और नालंदा के बाद हम जहाँ भगवान बुद्ध ने तथागत बुद्ध ने बोधित्व प्राप्त किया था बोध गया वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर हम अपने वापस आ जाएंगे। ये हमारा पहला छोटा प्रोग्राम है। अगर ये हमारा प्रोग्राम सफल होता है तो हम आगे एक बड़ा चौड़ा प्रोग्राम भी रख सकते हैं। मेरा सभी दिल्ली वासियों से, वरिष्ठ नागरिकों से ये निवेदन है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जाएं और इसका लाभ उठाएं। इसमें जो 60 साल से ऊपर हैं वो लोग जाएंगे और जो 70 साल के हो चुके हैं वो जाएंगे और वो अपने साथ 21 साल से ऊपर का कोई अटेंडेंट भी अपने साथ ले आ सकते हैं जो उसकी देखभाली करें। आप थे मज़े सी एस भंडारी जी और ये बहुजनों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि बहुजन के जितने भी तीर्थ हैं वहाँ पे जाने का उनको मौका मिलेगा और ये बिल्कुल निशुल्क है, बिल्कुल फ्री खाना एसी वगैरह का ये संसाधन दिया हुआ है गाड़ी के अंदर। और यही नहीं, आपको आपके घर से लेकर जाएंगे, आपके पड़ोस में एक बस लगेगी, अगर आपके एरिया में 500 लोग हो जाते हैं तो आपके लिए एक बस वहाँ पर लगेगी, वो रेलवे स्टेशन तक छोड़ेगी आपको और वहाँ से आपको खाना पीना रहना होटल का सारा एकोमोडेशन सारा जितना भी है वो दिल्ली सरकार उठा रही है। और ये अथक प्रयास है माननीय राजेंद्रपाल
गौतम जी के और सी एस भंडारी के पूरे द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ये पूरा बहुत बड़ा प्रयास है जो ये सार्थक होता नज़र आ रहा है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप हिस्सा लें और भाग लें और ऐसे मौक़ों को बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। बात फ्री की नहीं है, बहुजन समाज के पास संसाधन भी कम है और आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं है। उसको देखते हुए राजेंद्र पाल गौतम ही नहीं, दिल्ली सरकार ने भी पूरा इस पर ध्यान दिया है और बहुजनों के एक बहुत अच्छे कार्यक्रम को उन्होंने ये पूरा सिर माथे लिया है। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के अंदर आपको इस वीडियोस के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से फॉर्म लेकर भर सकते हैं और रेफरेंसेस के लिए आपको भंडारी साहब का नंबर मिल जाएगा और भी एक दो नंबर हम लोग देने की कोशिश करेंगे और इसको आप ज़रूर लें। और आपके आसपास में कोई भी 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है या 70 साल का व्यक्ति है तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट जाएंगे, महिला पुरुष सभी लोग जा सकते हैं इसके अंदर। और जो 70 साल से ऊपर है जैसे भंडारी साहब ने बताया उसके साथ एक अटेंडेंट, उनके साथ एक सहयोगी जा सकता है जो 21 वर्ष से ऊपर का हो, वो भी बिल्कुल फ्री जाएंगे इसके अंदर और कोई भी इसके अंदर खर्चा नहीं है। एक सुनहरा मौका आज बहुजन समाज के लोगों को मिला है। कुछ लोग इसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं कि कोई फ्री में क्यों जाएं, और हम लोग अरे अगर आप फ्री में नहीं जाना चाहते तो आप किसी को भेज सकते हैं, क्योंकि जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर तीर्थ तक गए नहीं हैं, आप अभी आपको रास्ता नहीं पता है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपको गाड़ियों का लिंक एक बार आपको जाना जरूर चाहिए और रिकमेंड करना चाहिए सभी को जाने के लिए। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। बहुजन समाज की तेज सर्रा खबरों पर नज़र रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भंडारी जी, आपने हमारे चैनल से बात करी। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।